Hey, hello friend, this is Swadhin and welcome to our channel HD Global Biotech. So दोस्तों कुछ कुछ महीने के बाद आया मैं क्योंकि आपको पता ही है कोविड सिचुएशन था और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे. हो सकता है उसका बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों को मिल रहा है या आपको परिवार वालों को ऑलरेडी मिलना चालू भी हो चुका है. तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे थे साथ में, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा दे नहीं पाया. अभी बहुत सारे ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा फ्री टाइम है. तो दोस्तों और ऐसे भी ऑफ सीजन था तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था और बेसिक चीज़ ऑलमोस्ट अभी सबको पता ही है. तो कुछ कुछ लोगों का भी डिजीज से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, स्पेशली फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज. मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज को कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों. तो मैं आज कुछ एंटीबायोटिक के ऊपर बात करूंगा, ठीक है. एंटीबायोटिक थोड़ा जो रिलेवेंट है आपके मछली पालन से उसी के हिसाब से हम बात करेंगे. माइनर सा टेक्निकल जाएगा और ना बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा, फिर मैं लेमन टर्म में बता भी दूंगा क्या करना है नहीं करना है. तो दोस्तों एंटीबायोटिक के बारे में तो आपको पता ही है, जो बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक. अभी आपको मछली को अगर डिजीज हुआ और अगर बैक्टीरियल डिजीज से अगर हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं उस बैक्टीरियल मारने के लिए, तो ये रिलेवेंट हुआ अपने प्रोजेक्ट के लिए. तभी जो हम एंटीबायोटिक देते हैं ये जनरली दो टाइप से काम करता है, ठीक है. आइदर क्या करता है, वो पूरा बैक्टीरिया को मार डालता है, ठीक है. तो उसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं. और दूसरा मेकानिज्म क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना, वो एंटीबायोटिक उसको इनहिबिट मतलब बंद कर देता है, तो उसको हम लोग बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक बोलते हैं हम लोग. तो मोटा मोटी रफली उनका जो मेकानिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये जो एंटीबायोटिक हम देते हैं, क्योंकि इस मेकानिज्म ऑफ एक्शन को आप समझो तो इसके ऊपर ही आपका जो कॉन्सेप्ट है मछली पालन का उस पर बहुत चीज को रिलेटेड है, ठीक है. तो कुछ कुछ एंटीबायोटिक होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है, जो प्रोटीन बनने नहीं देता बैक्टीरिया के बॉडी में. कुछ कुछ होता है जो न्यूक्लिक एसिड को बंद कर देता है प्रोड्यूस होना, आइदर वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड. कुछ कुछ होता है जो सेल वॉल को सिंथेसिस बंद करता है, सेल वॉल पर रैप्चर करता है या उसको फॉर्म होने नहीं देता है. कुछ कुछ होता है सेल मेम्ब्रेन को सेम काम करता है, तोड़ देता है या वो बनने नहीं देता है. और कुछ कुछ होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है जो वो होने ही नहीं देता है. इस टाइप से वो जो एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट होता है. तो ये एक रफली एक जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों. तो मैं बहुत डीप पे नहीं जा रहा, ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट है आप ये वाला जो चार्ट है इसको देख लो, नहीं तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ोगे. आपको लगेगा कि भाई मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, मछली पे काम ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है. इसको चाहिए आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, ठीक है. मोटा मोटी जगह एंटीबायोटिक आप क्लासेस लेते हो ना, बहुत सारे क्लासेस थे, जो इंपॉर्टेंट कुछ क्लासेस थे जो 8 क्लास है मैंने इस पर डाल दिया हूँ, ठीक है. और इस पर हम लोग डिपेंड करेंगे कौन से क्लासेस के एंटीबायोटिक है, कौन किस टाइप के बैक्टीरिया पर काम करते हैं. आपको पता है कि बैक्टीरिया दो टाइप का होता है मेनली, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है. तो जो ग्राम पॉजिटिव वाला जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका जो सेल वॉल होता है बहुत मोटा होता है, बहुत थिक सेल वॉल होता है, ठीक है. और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है क्या होता है, उसका सेल वॉल क्या होता है, बहुत पतला सेल वॉल होता है और उसके ऊपर 2 फॉस्फोलिपिड पतला मेम्ब्रेन भी होता है. 3 लेयर हो गया ग्राम नेगेटिव का, और ग्राम पॉजिटिव का एक ही रहता है बट बहुत मोटा सेल वॉल रहता है, ठीक है. एक स्टेनिंग करके पता चलता है कि जो जो लोग बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, वायरोलॉजी वगैरह, उनको पता है, उनको स्टेनिंग करना पड़ता है तो वो पता चल जाता है कि ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव का, कलर चेंजेस के ऊपर, ठीक है. तो मैं पहला जो क्लास पे आ जाता हूँ वो है क्या है, एमिनो ग्लाइकोसाइड, देख लो, ठीक है दोस्तों. एमिनो ग्लाइकोसाइड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है. इसका अगर आप एग्जाम्पल लेते हो स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अब ये किस टाइप से काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, जो प्रोटीन बनने नहीं देता बैक्टीरिया पर,
स्पेशल 30S प्रोटीन पे, इस हिसाब से वो बैक्टीरिया को मारता है। सेकेंड वाला आप देख रहे हो सेफलोस्पोरिन, ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है। इसका जो ब्रांड नेम है आपको और इस टाइप का आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो एग्जाम्पल है सेफाजोलिन, सेफाड्रॉक्सिल। और ये क्या करता है, सेल वॉल सिंथेसिस करता है, ठीक है, सेल वॉल इनहिबिट करता है सिंथेसिस को, तो सेल वॉल बनने नहीं देता है, ये इसको रक्चर करता है। तीसरा टाइप का जो क्लास होता है पेनिसिलिन, ये तो सब आपने सुना ही होगा। उसका जो जेनेरिक वर्जन जो अवेलेबल होता है मार्केट पे, पेनिसिलिन जी, अगर आप सिर्फ पेनिसिलिन जी टाइप का एंटीबायोटिक देते हो तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेगा। अगर आप पेनिसिलिन जी के साथ एम्पिसिलिन ऐड कर देते हो तो फिर एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही मारेगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन प्लस एम्पिसिलिन का जो कोर्स होता है वही आपका पूरा एंटायर पॉजिटिव और नेगेटिव को मारता है। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस प्रोहिबिट करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है। चौथा टाइप का जो क्लासेस है वो टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत बढ़िया क्लास है, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। इसका अगर जो एग्जाम्पल देते हो टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन होता है, ये भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, तो प्रोटीन बनने नहीं देता है, ठीक है, बैक्टीरिया के बॉडी में। पांचवा जो है क्विनोलोन्स और फ्लोक्विनोलोन्स, ठीक है, ये आपका ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है। इसका है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को बंद करता है, जो डीएनए जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है तो इसको ये बंद करता है। तो इसका इसके मैं बताऊंगा कि इसका नेगेटिव क्या है, कि अगर ये बैक्टीरिया आपका डीएनए बैक्टीरिया है तो एक काम कर जाएगा, अगर आपका बैक्टीरिया आरएनए बैक्टीरिया है तो प्रॉब्लम ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आरएनए को वो इनहिबिट नहीं करेगा, सिर्फ ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। सातवां टाइप का जो होता है क्या है, मैक्रोलाइट, ठीक है, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है, जैसे आपका एरिथ्रोमाइसिन। अगर आप एरिथ्रोमाइसिन देते हो और आपके जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो मरेगा नहीं, तो आपको लगेगा भाई मेरा एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो सही बात नहीं। क्या होता है वो इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस होने नहीं देता है, स्पेशली 50S पे, ठीक है, ये 30S पे काम करता है। सल्फोनामाइड, ये भी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को मारता है, तो आपको पता है किस टाइप के ए है, सल्फो मेथॉक्सिजोल, ठीक है। ये क्या करता है, ये फोलेट सिंथेसिस इनहिबिट करता है, ठीक है। जो आठवां जो क्लास है, जो फाइनल जो क्लास है, ये है ग्लाइकोपेप्टाइड, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, जैसे वैक्सोमाइसिन होता है। और ये क्या करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो आपको मोटा मोटी पता चल गया है, कुछ कुछ बैक्टीरिया है, कुछ कुछ मेडिसिन है जो ग्राम पॉजिटिव को मारता है, कुछ कुछ है ग्राम नेगेटिव को मारता है, कुछ कुछ है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को मारता है, ठीक है। तो अभी आपको मैं बोलता हूं, तो आपको अभी क्वेश्चन होगा कि भाई मुझे किस टाइप के एंटीबायोटिक देना चाहिए। दोस्तों आपको वही एंटीबायोटिक देना चाहिए जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को ही वो कवर करता है, ठीक है। और अगर उसके साथ अगर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है जो सेल वॉल या प्रोटीन सिंथेसिस दोनों दोनों ही कवर हो जाता है, या कभी कभार कोई अलग क्राइटेरिया कवर होता है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में आपको एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ लो, सिर्फ जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव को मारता है इस टाइप के एंटीबायोटिक नहीं लेना, जो जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को मारता है उसी एंटीबायोटिक को लेना है। अभी दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई आपको मुझे मुझे कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए, जो बहुत रेगुलरली आसपास मार्केट में मिल जाए तो वो लेना चाहिए, कि जो थोड़ा प्रीमिटिव होता है जो बहुत जल्दी मिलता नहीं वो एंटीबायोटिक लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों टू बी वेरी फ्रैंक, जो एंटीबायोटिक बहुत जल्दी मिल जाता है यह आपके दुकान पे घर के आसपास इमिडिएटली मिलता है, कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कोई भी एक्वाकल्चर कंसल्टेंट या वेटनरी कंसल्टेंट उसको लिख देता है, उस टाइप को जो एंटीबायोटिक्स होता है ना उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये इस टाइप के एंटीबायोटिक इंसान यूज करता है, जानवर यूज करता है, मछली यूज करता है, कहीं ना कहीं वो रिसाइकल होके एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चालू होता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक इतना ज्यादा यूज होता है कि फिर वो एंटीबायोटिक का असर ही खत्म हो जाता है और वो बैक्टीरिया बिकम ए सुपर बग, ये बहुत शक्तिशाली बैक्टीरिया बन जाता है, कि फिर वो लोकल वाला एंटीबायोटिक और जो बहुत मतलब घूम फिर के जो एक ही एंटीबायोटिक यूज होता है फिर वो काम नहीं करता है। तो इसकी कंडीशन में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो एंटीबायोटिक बहुत नीश है, बहुत कम यूज होता है,
मतलब तो उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनने का चांसेस बहुत कम है, तो उस टाइप का अपने को एंटीबायोटिक यूज करना है। और जो पुराना है, जो जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारता है, तो उस टाइप का अपने को एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज है, पुराना टाइप का एंटीबायोटिक यूज करो जो लेम है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, और जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है, जो मैंने लिस्ट आपको दे दिया पहले, उसी लिस्ट को आप रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों और भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप देखते हो कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, अभी मेरा एक्वा नैनो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, अभी हम लोग और भी तीन नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एक है एक्वाफन एसडी, ठीक है, ये एंटी फंगल है। ये जो एंटी फंगल है, इसमें दो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमने यूज किया है, एक जो हमने अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, एक एक जो सेकेंडरी कंपोनेंट है कॉपर सल्फेट है, प्राइमरी कंपोनेंट हम इसको रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है जो ये वेट प्रो गोल्ड, ये है ग्रोथ प्रोमोटर, एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर है, जो कोई भी वेटनरी या मछली के लिए बहुत उपयुक्त है, और ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसमें एक भी ड्रॉप केमिकल इसमें यूज नहीं किया हुआ है। बट ये जो एंटी फंगल है, ये केमिकल है। ये जो वेट प्रो गोल्ड ग्रोथ प्रोमोटर है, 100% ऑर्गेनिक है। और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में उसका कंपेरेटिव स्टडी किया है, ठीक है, उसके ऊपर हमने इसमें एसिडोफिलस बैक्टीरियल स्पोर्स हमने ऐड किया है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया है, जो यू नो सिंपल प्रोटीन होता है, पेप्टोन टाइप का प्रोटीन, वो हमने यूज किया, जो बहुत जल्दी मछली के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। और जो तीसरा ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपके एंटीबैक्टीरियल है, एक्वाबैक्ट एसडी। इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक सेकेंडरी कॉम्पोजिशन यूज किया, और एक प्राइमरी कॉम्पोजिशन हमने यूज किया है, जो हम रिबिल्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग अपना ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सारे कॉम्पोजिशन इसमें रिबिल्ट नहीं करेंगे। तो आप हम लोगों का टीम को आप देख सकते हो, आपको अगर कलकत्ता में कुछ भी चाहिए, आप अमित से बात कर लो, अमित घोष, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। तो उसका नंबर आप देख सकते हो, उसका यूट्यूब एक बहुत फेमस चैनल है, एक्टिव एक्टिविटी को भी आप रेफर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना उसके चैनल को भी। आप आलाम से बात कर सकते हो त्रिपुरा में, उसके पास अभी फिलहाल प्रोबायोटिक है, बाकी तीन प्रोडक्ट उनके पास अभी नहीं है, इन फ्यूचर उनके पास मिलने का चांसेस है। हम लोगों के पास जो बैंगलोर में जो टीम है, आप देख सकते हो मिस्टर अशोक, मिस्टर सुजीत, ये लोग आपका टैंक्स इंस्टॉलेशन या जो भी आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड सपोर्ट है, ये बैंगलोर या नियर बाई एरिया पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों अगर और आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने के लिए। और तीसरी बात है कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बारे में बोल रहे हैं, कि दोस्तों मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि मार्केट में अभी इतने सारे अच्छे यूट्यूब चैनल है, आपको ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंडिविजुअल या एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप सिर्फ YouTube चैनल देखे, छोटा सा टैंक बना, उसमें ट्रायल लो, कंप्लीट करो, एक साल में आप सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे कंटेंट भरा पड़ा है। हाँ, अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हो और आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा है, तो आपके टेक्निकल ग्रुप को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, बट स्टूडेंट वाइज, एक एक स्टूडेंट वाइज, लाइक जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है कि अभी के टाइम पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं था, एक साल पहले उसका रिक्वायरमेंट था, क्योंकि तब किसी को कुछ भी नहीं पता था, अभी सबको सब कुछ पता है, तो अभी स्टूडेंट वाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट वाइज अगर किसी को चाहिए ट्रेनिंग कंसल्टेशन या टैंक इंस्टॉलेशन या प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी एंड टू एंड, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो या अपना टीम से कॉन्टैक्ट करो, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।